जी अल्हम्दुलिल्लाह आज अराई वेलफेयर हॉस्पिटल के अंदर फ्री मेडिकल कैंप है और इसमें गायनेकोलॉजिस्ट और एमबीबीएस डॉक्टर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और फ्री चेकअप और उसके साथ साथ मेडिसिन भी दी जा रही है। तो अराई वेलफेयर हॉस्पिटल में वक्तन फवक्तन ये कैंप होते रहते हैं और अपने बल्दिया टाउन की जो अवाम है उसकी खिदमत उसके इलाज मुआलजे में हम जो ये कैंप जो है करते रहते हैं। आज जो खसूसी तौर पे हमारे लेडीज़ और जेंट्स दोनों डॉक्टर बैठे हैं और इंशाल्लाह ये 3 बजे तक कैंप चलेगा और आप देख रहे हैं कि यहाँ ज़रूरतमंद कितने हैं जो लोग आके अपने बच्चों को अपने लेडीज़ को और ख़ुद जो है ना चेकअप भी करवा रहे हैं और मेडिसिन भी ले रहे हैं। ये आज तो फ्री मेडिकल कैंप है, वैसे रोज़ाना जो है यहाँ आँखों का जो है ना रोज़ाना फ्री इलाज मुआलजा चेकअप और मेडिसिन दी जाती है जिसमें कम से कम 120 से 150 पेशेंट रोज़ाना फ्री देखे जाते हैं और उनको मेडिसिन देते हैं। और हर बुध को जो हफ्ते में पेशेंट ऑपरेशन के निकलते हैं, हर बुध को जो 60-70 पेशेंट जो है ना उनका ऑपरेशन कराया जाता है। तो इस तरह महीने में तकरीबन 200 के करीब जो है ना ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे। आज ये जो है मेडिकल कैंप हमने लगाया है, ये मुफ्त मेडिकल कैंप है और इसमें हम दवाइयाँ भी, कोशिश ये हमारी है कि इसमें मुफ्त दवाइयाँ भी दें और टेस्ट के हवाले से भी ये है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके टेस्ट भी हम फ्री में करा के दे रहे हैं। यहाँ कुछ का 50% पे है, लेकिन अगर जो कोई नहीं दे सकता हम उसको फ्री करके दे रहे हैं, टेस्ट भी फ्री हो रहे हैं। मेडिकल जो आजकल इलाज ही बहुत महंगा हो गया है, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, टेस्ट इतने महंगे हो गए हैं, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमने यही सोच के और कार्य खैर के लिए एक लोगों की मदद भी हो जाएगी और एक दुखी इंसानियत का थोड़ा सा मदावा हो जाएगा कि यहाँ पे फ्री कैंप में वो लोग भी आके इलाज करा सकेंगे जिनके वसाइल नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। हर घर में 2-4 लोग बीमार ज़रूर हैं, कुछ मौसम ऐसा है, कुछ गरीबी है लोगों में। तो हमने ये कोशिश की है कि लोगों के इस दुख में थोड़ा सा अपना हिस्सा मिलाएं। मेरा नाम चौधरी असलम कमल है और मैं यहाँ का सीनियर नायब सदर हूँ और आई वेलफेयर एसोसिएशन का। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम इंसानियत की खिदमत करते हैं, जैसे आज फ्री कैंप लगाया हुआ है, अक्सर कैंप हमारे लगते हैं और हमारे पूरे सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल हैं और इसी तरह हम अपनी बरादरी के साथ साथ पूरी इंसानियत की खिदमत करते हैं। इस तरह हमारा शेरशाह में भी हॉस्पिटल है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ भी मैं 14 साल अपनी बरादरी का सदर रहा हूँ और हमारा वहाँ 8 नंबर गली में हॉस्पिटल है और राई वेलफेयर का अंजमन है राइयाँ के हवाले से, अभी वो भी माशाल्लाह चल रहा है। और उसके बाद हमने मुस्तफ़ा मस्जिद के सामने अराई वेलफेयर हॉस्पिटल बनाया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कामयाबी के साथ चला, लेकिन वो कुछ वजूहत की बिना पर हमने उसको बंद किया। और ये हमारा बल्दिया में, मैं यहाँ 2003 से यहाँ ये बल्दिया के ये हॉस्पिटल में, पहले मैं सबका जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, यहाँ भी मैंने खिदमत अंजाम दी। यहाँ हमारा LRBT का अदारा है, आँखों का हॉस्पिटल, उनके तावन से चलता है। यहाँ हमारे डेली 200-250-300 मरीज़ होते हैं जिनका हम फ्री इलाज करते हैं LRBT के तावन से। और यहाँ ये समझा जाए कि यहाँ ये बल्दिया टाउन का ये सिविल हॉस्पिटल है। ये मेरी बेटी है और ये तकरीबन 1 महीने से बीमार है, मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाते हैं, उसको दवाई दे देते हैं तो 2-3 दिन बाद बुखार फिर दोबारा हो जाता है, तकरीबन 1 महीने से ऐसा हो रहा है। तो अभी यहाँ आए तो हमें तो मालूम नहीं था ये प्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है। मैं आया था OPD में कि अब यहाँ कोई डॉक्टर मुझे सीनियर मिल जाए ताकि मैं उससे मशवरा कर सकूँ, सही इलाज करा सकूँ। तो ये प्री मेडिकल कैंप लगा हुआ था और उन्होंने एक हमारे साथ ये रियायत की कि मेरे मरीज पे थोड़ा सा वो इंतज़ार करने की हिम्मत नहीं थी, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने ख़ुद आके यहाँ उसको चेक कर लिया, ये उनके मैं शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह ये पेशेंट हमारे पास आया है जनरल OPD में, तो इंशाल्लाह हम इसके टेस्ट भी फ्री कराएँगे और अल्ट्रासाउंड भी फ्री करा के दूँगा इनको मैं, और जो भी मसला हुआ है इंशाल्लाह इनके साथ मेडिसिन में भी हेल्प करेंगे। जी आपने मेडिकल कैंप का और हॉस्पिटल का दौरा किया, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन हुसैन हीरो के साथ साकिब अराई, सलामती न्यूज़, कराची।